अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन की एक्ट वाइज डिटेल्ड समरी और इस प्ले की इम्पोर्टेंट कोट्स को कवर करने लगे हैं। जैसा कि हम इस प्ले के की फैक्ट्स में कवर कर चुके हैं कि इस प्ले को 5 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर द मेन इंसिडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले पिग्मेलियन। प्ले के स्टार्ट होते ही प्ले की सेटिंग बताई जाती है। प्ले की सेटिंग सेंट पॉल्स चर्च के कॉर्च के नीचे कॉवेंट गार्डन में रखी गई है। सामने एक बड़ा सा क्लॉक लगा हुआ है जिसमें रात के 11:30 बज चुके हैं और आगे मौसम के बारे में बताया जाता है कि गर्मियों का मौसम होता है और तेज बारिश हो रही होती है और वो बारिश एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के खत्म होने के फौरी बाद शुरू हो जाती है। मिसिज एंसफर्ड हिल अपनी बेटी क्लारा से ये शिकायत करती है कि उनका बेटा फ्रेडी बहुत देर से एक कैब की तलाश में गया हुआ है। सामने से फ्रेडी आता हुआ दिखाई देता है जो कि अपनी मदर और सिस्टर को ये बताता है कि तेज बारिश की वजह से कोई भी कैब नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो अपने घर वापस नहीं जा सकते। उसकी मदर और सिस्टर इंसिस्ट करती हैं कि वो दोबारा दूसरे डायरेक्शन में जाकर कैब ढूंढने की कोशिश करे। फ्रेडी वहां से जाते हुए एक फ्लावर गर्ल से टकरा जाता है जिसका नाम एलाइजा डू लिटल होता है। एलाइजा डू लिटल अपने कॉकनी एक्सेंट के साथ फ्रेडी को ये कहती है कि देख कर चलो कि तुम किस तरफ को जा रहे हो और इसके बाद वो जमीन पर बैठकर अपने बिखरे हुए फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। मिसिज एंसफर्ड हिल वहां पर खड़ी हुई ये सारा वाक्या देख रही थी और जब वो फ्लावर गर्ल उसके बेटे को फ्रेडी कहती है तो उसे बहुत ज्यादा तशवीश और परेशानी होना शुरू हो जाती है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि एक लो क्लास से बिलोंग करने वाली लड़की जिसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं और हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, उसका एक्सेंट भी बहुत ज्यादा लोकल है, फिर वो उसके बेटे फ्रेडी को कैसे जानती है क्योंकि वो फ्रेडी को उसके फर्स्ट नेम से पुकारती है। इसी वजह से मिसिज आइंसफर्ड हिल को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद वो उसके बेटे को पहले से जानती है। मिसिज आइंसफर्ड हिल एलाइजा डू लिटल को रगामुफिन यानी के खस्ता हाल वाले शख्स का टाइटल भी देती है। फ्लावर गर्ल मिसिज आइंसफर्ड हिल के पास आती है और उससे ये पूछती है कि आपके बेटे की वजह से मेरे बहुत सारे फूल खराब हो गए हैं तो क्या आप मेरे नुकसान की कुछ रकम अदा करेंगी। मिसिज आइंसफर्ड ढील खुले दिल के साथ उस लड़की के नुकसान की रकम अदा कर देती है और उसे ये पता चल जाता है कि एलाइजा हर अजनबी इंसान को चार्ली या फ्रेडी के नाम से पुकारती है। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एलाइजा डू लिटल हर अजनबी इंसान को किस नाम से पुकारती है। अचानक एक जेंटलमैन जिसका नाम कलोनल पिकरिंग होता है वो बारिश से पनाह लेने के लिए अंदर दाखिल हो जाता है जो कि अपने दोस्त प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से मिलने के लिए लंदन आया होता है। एलाइजा उसे देखते ही उसे कुछ फूल बेचने की कोशिश करती है लेकिन जब वो इनकार कर देता है तब एलाइजा उसे मनाते हुए ये कहती है कि अगर उसके पास खुले पैसे नहीं है तो एलाइजा उसे चेंज भी वापस कर देगी। वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है जो कि एलाइजा डू लिटल को ये वार्निंग देता है कि यहाँ पर एक नोट टेकर है जो कि एलाइजा की हर एक्टिविटी को नोट कर रहा है। ये सुनकर पहले तो एलाइजा घबरा जाती है लेकिन बाद में वो ये कहती है कि उसे पूरा हक हासिल है कि वो अपना काम कर सके। इफ आई कीप ऑफ द कब एक इडियम है जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन से लेकर यूज किया जाता है। फ्लावर गर्ल ये कहती है आई हैव अ राइट टू सेल फ्लावर्स इफ आई कीप ऑफ द कब आई एम अ रिस्पेक्टेबल गर्ल सो हेल्प मी। यानी कि मुझे फूल बेचने का पूरा पूरा हक है और मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ तो मेरी मदद करें। एलाइजा के डायलॉग्स को आपने इन मिस्टेक्स के साथ ही मेंशन करना है और इन्हें करेक्ट करके नहीं लिखना। बाद में वो अपनी इनोसेंस को जस्टिफाई करते हुए ये कहती है आई नेवर स्पोक टू हिम एक्सेप्ट टू आस्क हिम टू बाय अ फ्लावर ऑफ मी। एलाइजा अपने करेक्टर को वहां पर मौजूद सारे लोगों के सामने क्लियर करते हुए ये कहती है कि मैंने कभी भी इस जेंटलमैन यानी कि कलोनल पिकरिंग से बात नहीं की। मैं इस जेंटलमैन को नहीं जानती, ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता है। मैंने सिर्फ इसे ये रिक्वेस्ट की है कि ये मुझसे कुछ फूल खरीद ले और इनडायरेक्टली वे में वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। वो ये इतनी ऊंची आवाज में कहती है कि वहाँ पर खड़े सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रोफेसर हेनरी हिगन्स एलाइजा डू लिटल को शट अप कॉल दे देता है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स जो कि अपनी आदतों से एक जासूस नजर आ रहा था वो सबको ये बताता है कि वो पुलिस का कोई आदमी या जासूस नहीं है, वो सिर्फ उस फ्लावर गर्ल एलाइजा डू लिटल के कोकनी एक्सेंट को नोट डाउन कर रहा है। फिर नोट टेकर यानी के प्रोफेसर हेनरी हिगन्स उस फ्लावर गर्ल एलाइजा डू लिटल से ये कहता है रिमेंबर दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग विद अ सोल एंड द डिवाइन गिफ्ट ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच।
हमेशा ये याद रखो कि तुम एक इंसान हो जिसके पास एक रूह है और खुदा की तरफ से तुम्हें बोलने का तोहफा भी दिया गया है। तुम्हारे पास ये एबिलिटी मौजूद है कि तुम क्लियरली अपने आइडियाज को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सको। डेट योर नेटिव लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन एंड द बाइबल एंड डोंट सिट देयर क्रूनिंग लाइक अ बिलियस पिजन। तुम्हारी कौमी जुबान शेक्सपियर, मिल्टन और बाइबल की जुबान है और तुम यहाँ पर इरिटेट करने वाले कबूतर की तरह ना बैठो। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स एलाइजा डू लिटल की फिजिकल अपेयरेंस और एक्सेंट से बहुत ज्यादा इरिटेट होता है क्योंकि उसे लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोगों का कोकनी एक्सेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वहाँ पर खड़ा वो जेंटलमैन और बाकी सारे लोग एलाइजा डू लिटल को सपोर्ट करते हैं कि वो वाकई ही कोई गलत लड़की नहीं है बल्कि यहाँ पर सिर्फ फूल बेचने आई है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स उन सब लोगों की स्पीच को सुनकर उनकी बर्थ प्लेस और लंदन में उनकी लोकेलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है, जिसे ये रिवील होता है कि उसके पास वो मैजिकल पावर्स हैं जिनको यूज करते हुए वो किसी भी पर्सन की स्पीच को सुनकर उनके बैकग्राउंड के बारे में बता सकता है। बारिश के रुकते ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ एक जेंटलमैन यानी के क्लोनल पिकरिंग और फ्लावर गर्ल यानी के एलाइजा डू लिटल वहाँ पर रुकते हैं और उनके साथ प्रोफेसर हेनरी हिगन्स भी खड़ा होता है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ये बताता है कि वो फोनेटिक्स का मास्टर है, इसी वजह से वो स्पीच के बारे में इतना सब कुछ जानता है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अपनी बात को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए उस जेंटलमैन यानी के क्लोनल पिकरिंग से ये कहता है, वेल सर, इन 3 months I could pass that girl off as a duchess at an ambassador's garden party. सर, मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मैं 3 महीने में इस आम सी लड़की को एक डचिस में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं इस नॉर्मल सी फ्लावर गर्ल के कोकनी एक्सेंट को एक डचिस के ग्लैमरस एक्सेंट में चेंज करके दिखाऊंगा और यही फ्लावर गर्ल एक एम्बेसिडर गार्डन पार्टी में डचिस का रोल प्ले करेगी। जब प्रोफेसर हेनरी हिगन्स और क्लोनल पिकरिंग एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फ्रेडी एक कैब लेकर आता है, मगर वो ये नहीं जानता कि वो इसके साथ क्या करेगा क्योंकि सब लोग वहां से जा चुके हैं। फर्स्ट एक्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और इसे अगले सीन सेकंड एक्ट में दिखाए जाते हैं। सेकंड एक्ट में ये दिखाया जाता है कि अगली सुबह के 11 बज चुके हैं और प्रोफेसर हेनरी हिगन्स क्लोनल पिकरिंग के साथ अपनी लेबोरेटरी में मिलता है। मिसेस पियर्स यानी के प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की हाउसकीपर आकर ये बताती है कि नीचे एक स्ट्रेंजर कॉमन गर्ल आई है जो कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के बारे में पूछ रही है। जब प्रोफेसर हेनरी हिगन्स डिटेल जानते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि ये वही फ्लावर गर्ल है जो कि कल कोकनी एक्सेंट में बात कर रही थी। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से एक अच्छा चांस समझते हुए क्लोनल पिकरिंग के सामने ही उसके एक्सेंट को रिकॉर्ड करना चाहता है। आगे एलाइजा डू लिटल की फिजिकल अपेयरेंस बताई जाती है। प्ले पिग्मेलियन में सबसे ज्यादा एलाइजा डू लिटल के एक्सेंट और फिजिकल अपेयरेंस पर फोकस किया जाता है। शी हैज अ हैट विद 3 ostrich feathers, ऑरेंज, स्काई ब्लू एंड रेड। उसने एक हैट पहनी हुई है जिस पर ऑस्ट्रिच के 3 different colors के पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रिच फीडर्स के डिफरेंट कलर्स में ऑरेंज, स्काई ब्लू और रेड कलर शामिल है। शी हैज अ नियरली क्लीन एप्रन। उसने एक एप्रन भी पहना हुआ है जो कि साफ सुथरा दिखाई देता है। एंड द शॉर्टी कोट हैज बीन टिडीड अ लिटल। और इसके अलावा एलाइजा डू लिटल अपने नाकस कोट को भी साफ करके आई है। उसका हुलिया कल रेलवे स्टेशन पर नजर आने वाले फ्लावर गर्ल से कई गुना ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स एलाइजा डू लिटल की फिजिकल अपेयरेंस और ड्रेसिंग सेंस से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो क्लोनल पिकरिंग से ये पूछता है, पिकरिंग, शैल वी आस्क दिस बैगेज टू सिट डाउन और शैल वी थ्रो हर आउट ऑफ द विंडो। पिकरिंग, क्या हमें इस चंचल लड़की को अपने साथ बिठाना चाहिए या फिर हमें इसे खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए? अपने बारे में प्रोफेसर के मुंह से इतने इंसल्टिंग वर्ड्स को सुनकर वो फ्लावर गर्ल यानी के एलाइजा डू लिटल ये कहती है, आई वॉन्ट टू बी अ लेडी इन अ फ्लावर शॉप इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कॉर्नर ऑफ टॉटनहैम कोर्ट रोड। मैं टॉटनहैम कोर्ट रोड के किनारे पर फूल बेचने की बजाय एक फ्लावर शॉप में किसी लेडी की तरह काम करना चाहती हूँ। बट दे वॉन्ट टेक मी अनलेस आई कैन टॉक मोर जेंटियल। लेकिन मैं जब तक अपने एक्सेंट को इम्प्रूव नहीं कर लेती और खानदानी लहजे में बात करना शुरू नहीं कर देती तब तक वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे। ही सेड ही कुड टीच मी, वेल हेयर आई एम रेडी टू पे हिम Not asking any favor. प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ने कल ये कहा था कि वो मेरे एक्सेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए मैं आज इनसे अपनी लैंग्वेज और एक्सेंट को इम्प्रूव करने के लिए लेसन लेने आई हूँ और मैं इनसे किसी भी किस्म की फेवर मांगने नहीं आई। मैं फ्री में इनसे कुछ भी नहीं सीखूंगी और ये मुझे जो कुछ भी सिखाएंगे मैं उस सब के बदले इन्हें फीस अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की हेल्प से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहती हूँ। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ये कैलकुलेट करता है कि एलाइजा डू लिटल की ऑफर की गई रकम
इनकम उसकी डेली इनकम से कई गुना कम है, इसीलिए वो एलाइजा डू लिटिल से और ज्यादा फीस की डिमांड करता है। जब वो एलाइजा को अपनी स्टूडेंट के तौर पर कंसीडर कर रहा होता है तब पिकरिंग का इंटरेस्ट उन दोनों की कन्वर्सेशन के दरमियान और ज्यादा बढ़ जाता है और वो प्रोफेसर हेनरी हिगन से ये कहता है, आई विल से यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर अलाइव इफ यू मेक डेट गुड। I'll bet you all the expenses of the experiment you can't do it and I'll pay for the lessons। अगर तुम अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाओगे, यानी कि तुम इस फ्लावर गर्ल के एक्सेंट को एक डचिस के एक्सेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद मानूंगा। मैं इस एक्सपेरिमेंट का सारा खर्चा उठाऊंगा मगर मैं तुमसे ये शर्त लगाता हूँ कि तुम अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम जो एलाइजा डू लिटिल को लेसन्स दोगे उनकी पेमेंट भी मैं खुद करूंगा। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स इस ऑफर पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये कहता है, नेवर लूज अ चांस, इट डजंट कम एवरी डे। जिंदगी में कभी भी किसी मौके को जाया ना करो क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। आई शैल मेक अ डचेस ऑफ दिस ड्रैगली टेल्ड गटर स्नाइप। मैं इस पुअर और कच्ची आबादी से बिलोंग करने वाली लड़की को एक डचेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो ये सब अपने दिमाग में सोचते हुए अपने फ्रेंड क्लोनल पिकरिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लोनल पिकरिंग से ये कहता है, यस इन 6 months, इन 3 इफ शी हैज अ गुड ईयर एंड अ क्विक टंग। हाँ, मैं तुमसे ये शर्त लगाता हूँ कि मैं 6 महीने में इसके कॉकनी एक्सेंट को डचेस के एक्सेंट में चेंज कर दूंगा। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि फर्स्ट एक्ट में तो उसने 3 months में उसके एक्सेंट को चेंज करने की बात की थी, मगर आज जब वो एलाइजा डू लिटिल से मिलता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है। इसीलिए वो ये शर्त लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे और अगर ये अपने कानों और जुबान को अलर्ट रखते हुए सीखती है तो ये 3 महीने में ही अपने एक्सेंट को इम्प्रूव कर लेगी। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स मिसेस पियर्स को बुलाता है और उसे ये ऑर्डर देता है कि वो एलाइजा डू लिटिल की ड्रेसिंग चेंज करवाए। He says to Mrs. Pierce, take her away and clean her. Mrs. Pierce, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे साफ सुथरा बना दो। Then he says, take all her clothes off and burn them. इसके सारे पुराने कपड़े इसे लेकर जला दो। और सिंबॉलिकली वो ये कहने की कोशिश करता है कि इसकी ओल्ड आइडेंटिटी को रिमूव कर दो। मिसेस पियर्स ये कहती है कि अगर ये लड़की शादीशुदा है तो इसके हस्बैंड वरना इसकी फैमिली को एतराज हो सकता है। एलाइजा डू लिटिल हेनरी हिगन्स की ऐसी बातों को सुनकर ये कहती है, यू आर नो जेंटलमैन, यू आर नॉट टू टॉक ऑफ सच थिंग्स। वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट करती है कि तुम एक जेंटलमैन नहीं हो क्योंकि तुम ऐसी बातें करते हो। आई एम अ गुड गर्ल, आई एम, ये इस प्ले में एलाइजा डू लिटिल का सबसे ज्यादा फेमस डायलॉग है। एलाइजा डू लिटिल इस प्ले में बार बार इस फैक्ट पर एम्फसाइज करती है कि वो एक अच्छी लड़की है। एंड आई नो व्हाट द लाइक ऑफ यू आर, आई डू, और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। मिसेस पियर्स वहां से जाने से पहले ये सोचना शुरू कर देती है कि जब प्रोफेसर हेनरी हिगन्स एलाइजा डू लिटिल पर अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेगा तो एलाइजा डू लिटिल के साथ क्या होगा, क्योंकि वो कई सालों से प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के साथ है और उसकी नेचर को अच्छी तरह जानती है। उसे इस बात का भी पूरा यकीन होता है कि जब भी प्रोफेसर किसी टारगेट को अचीव कर लेता है तो वो बाद में उसी एक्सपेरिमेंट से बोर होना शुरू हो जाता है और एलाइजा की उसकी नजर में एक एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं है। वो हिचकिचाते हुए प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे एलाइजा डू लिटिल के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। She says, you must be reasonable, Mr. Higgins. Really, you must. You can't walk over everybody like this. Mr. Higgins, आपको सोच समझकर हर एक बात करनी चाहिए। आपको यकीनी तौर पर अपनी बातों पर गौर करना चाहिए। आप हर किसी स्पेशली किसी लड़की के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इसके बाद एलाइजा डू लिटिल का फादर एल्फ्रेड डू लिटिल अंदर आता है। हेनरी हिगन्स मिस्टर डू लिटिल से ये कहता है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए, मगर एलाइजा डू लिटिल का फादर मिस्टर डू लिटिल एक बदमाश आदमी होता है और वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से ये कहना शुरू कर देता है कि वो हमेशा के लिए एलाइजा डू लिटिल को अपने पास रख सकता है, मगर उससे पहले प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को मिस्टर डू लिटिल को कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी। एक बाप होते हुए वो इंसान इतना ज्यादा बेशरम हो जाता है कि मिस्टर डू लिटिल कुछ पाउंड्स की खातिर अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के साथ अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा करते हुए ये कहता है, वेल व्हाट्स अ 5 पाउंड नोट टू यू,
एंड वर्ड्स अलाइजा टू मी, यानी कि जिस तरह तुम्हारी नजर में 5 pounds की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसी तरह मेरी बेटी अलाइजा टू लिटल भी मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखती। इसीलिए तुम पाउंड्स में मुझे कुछ रकम अदा कर दो जो कि बाद में मेरे काम आएगी, और मैं अपनी बेटी अलाइजा टू लिटल को हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले कर दूंगा। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को अब ये रियलाइज होता है कि उसने अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जॉब को सिलेक्ट कर लिया है। वो अपने फ्रेंड क्लोनल पिकरिंग से ये कहता है, पिकरिंग वी हैव टेकन ऑन अ स्टिफ जॉब, यानी कि हम दोनों ने खुद अपने काम को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है, और इसी के साथ ये एक्ट खत्म हो जाता है। थर्ड एक्ट की सेटिंग मिसेस हिगन्स के ड्राइंग रूम में रखी गई है, जहां पर उन्होंने अपने मेहमानों को अपने घर पर बुलाया होता है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स उन्हें ये बताता है कि आज उसने एक ऐसी लड़की को इन्वाइट किया है जिसके एक्सेंट को उसने कुछ दिनों की मेहनत में ही इम्प्रूव किया है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ये चाहता है कि उसकी मदर अलाइजा डू लिटल के एक्सेंट के साथ साथ उसकी स्पीच को भी जज करे। मिसेज आइंसफर्ड हिल, क्लारा, फ्रेडी और क्लोनल पिकरिंग गेस्ट के तौर पर मिसेज हिगन्स के घर आ जाते हैं, और इस सोशल गैदरिंग से अलाइजा डू लिटल को बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अलाइजा डू लिटल एक एलिगेंट ड्रेस पहने हुए कमरे के अंदर दाखिल होती है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ने उसे पहले ही वॉर्न किया होता है कि वो सिर्फ वेदर और हेल्थ के बारे में बात करेगी। सब लोग इकट्ठे बैठकर वेदर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। मिसेज हिगन्स इस कन्वर्सेशन को एंड करते हुए फाइनली अलाइजा डू लिटल से ये सवाल करती हैं, विल इट रेन, डू यू थिंक, बारिश होने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अलाइजा डू लिटल उनके सवाल का जवाब देते हुए ये कहती है, There are no indications of any great change in the barometrical situation. वो वेदर को डीपली एक्सप्लेन करती है और उसका डायलॉग भी बहुत ज्यादा लेंथी है। इसी वजह से मैंने उस डायलॉग के लास्ट पार्ट को मेंशन कर दिया है, डेट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अलाइजा डू लिटल यहाँ पर ये जवाब देती है कि उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि बारिश होगी, क्योंकि बैरोमीटर की सिचुएशन के चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। और इसके बाद वो सब हेल्थ पर कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब अलाइजा डू लिटल के साथ हेल्थ के बारे में कन्वर्सेशन की जाती है तो वो ये कहती है, माई आंट डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी कि इन्फ्लुएंजा की वजह से मेरी आंटी की मौत हो चुकी है। अलाइजा डू लिटल अपनी स्पीच में कुछ गलतियां भी करती है, मगर फ्रेडी को उसकी सारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है। मिसेस हिगन्स मेहमानों के जाने के बाद प्रोफेसर हिगन्स को ये कहती है कि अलाइजा अभी तक प्रेजेंटेबल नहीं बनी, उसका एक्सेंट तो इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन अभी भी जब वो बात करती है तो उसके बात करने के अंदाज से उसके हर सेंटेंस में उसका सोशल ओरिजिन नजर आता है, इसीलिए वो अब तक इस काबिल नहीं हुई कि उसे एम्बेसडर की पार्टी में लेकर जाया जा सके। अलाइजा डू लिटल के कैरेक्टर में ये भी क्वालिटी पाई जाती है कि वो दूसरों की नकल बड़े अच्छे तरीके से करती है। वो सबके सामने हायर क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों की बनावटी जिंदगी और एक्सेंट की नकल करके दिखाती है, और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से सब लोगों को खुश कर देती है। मगर मिसेज हिगन्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अलाइजा डू लिटल उनकी सोशल क्लास का मजाक उड़ा रही है। जब उनके घर से मेहमान चले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेसब्री और गुस्से का इजहार करते हुए ये कहती हैं, ओह मैन मैन मैन। मिसेस हिगन्स का ये डायलॉग भी बहुत ज्यादा फेमस है, और इस डायलॉग के बारे में भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद इस प्ले का फोर्थ एक्ट स्टार्ट हो जाता है। इस एक्ट की सेटिंग मिस्टर हिगन्स के लेबोरेटरी लिविंग रूम में रखी गई है। नाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अपने दोस्त क्लोनल पिकरिंग से लगाई गई बैट को जीत लेता है। रात से पहले आने वाली शाम में अलाइजा डू लिटल को एक एम्बेसडर की गार्डन पार्टी में एक डचेस के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। फोर्थ एक्ट के फर्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स और उनका दोस्त क्लोनल पिकरिंग अपनी फतह की खुशी मना रहे होते हैं, क्योंकि एम्बेसडर की पार्टी में अलाइजा डू लिटल एक डचेस का रोल प्ले करती है। वो सबकी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करवाने में कामयाब हो जाती है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अपनी कामयाबी पर खुद को मुबारकबाद देता है, और वो अपनी फतह की खुशी में इतना ज्यादा मगन हो जाता है कि वो अलाइजा डू लिटल को कम्प्लीटली इग्नोर करना शुरू कर देता है। इस सबसे अलाइजा डू लिटल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के साथ भी बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करती है। वजह पूछने पर वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को ये कहती है, नथिंग रॉन्ग विद यू, आई हैव वॉन योर बेट For you, have not I? That's enough for you. I don't matter, I suppose. तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारी शर्त को जीत लिया है। तुम्हारे लिए इतना काफी है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स सबसे बोर होना शुरू हो जाता है। वो सब कुछ छोड़कर अपनी चप्पल को ढूंढना शुरू कर देता है। अलाइजा को उसकी इन हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो तैश में आकर प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से ये कहती है, आई वुड लाइक टू किल यू, यू सेल्फिश ब्रूट, यानी कि मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहती हूँ, तुम एक जालिम जानवर।
जानवर हो। हिगन्स उसके गुस्से की वजह मालूम करने की कोशिश करता है और उसे तसल्ली देते हुए ये कहता है कि मैं पिकरिंग से ये कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे खुद की एक फ्लावर शॉप खरीद ले। कलोनल पिकरिंग का नाम आते ही एलाइजा डू लिटल ये पूछना शुरू कर देती है, डू माई क्लॉथ्स बिलोंग टू मी और टू कलोनल पिकरिंग? क्योंकि मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा तो मुझे आज ये बात क्लियर कर दो कि क्या ये कपड़े मेरे हैं या फिर ये कलोनल पिकरिंग के हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त कलोनल पिकरिंग ने ही मेरे मेकओवर पर सारा खर्चा किया था। ये कहते ही वो ये सोचना शुरू कर देती है, He might want them for the next girl you pick up to experiment on. मगर हो सकता है कि किसी दूसरी लड़की की खातिर उसे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि तुम अपना अगला एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस लड़की को भी यहाँ पर लाओगे उसे भी इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि वो लड़की भी मेरी तरह इन सारी चीजों को खरीदना अफोर्ड ना कर सके। वो दोबारा ये सवाल करती है, व्हाट शी कैन टेक और व्हाट शी कैन नॉट, यानी कि वो यहाँ से जाते हुए किन चीजों को अपने साथ लेकर जा सकती है और किन चीजों को उसे यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। हिगन्स आगे से ये कहता है कि तुम जो भी चाहो अपने साथ लेकर जा सकती हो, ये सारी चीजें यकीनी तौर पर तुम्हारी हैं, मगर तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एलाइजा आगे से जवाब देते हुए ये कहती है, और ये डायलॉग भी एलाइजा के मोस्ट फेमस डायलॉग्स में से एक है, आई एम सॉरी, आई एम ओनली अ कॉमन इग्नोरेंट गर्ल एंड इन माई स्टेशन आई हैव टू बी केयरफुल। मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ एक आम सादा और जाहिल लड़की हूँ और जिस इलाके और जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। देयर कांट any feelings between the like of you and the like of me. जिस तरह के इंसान तुम हो और जिस तरह के इंसान मैं हूँ, हम दोनों के दरमियान किसी भी किस्म के कोई जज्बात नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इसी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। एलाइजा डू लिटल प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की वो रिंग वापस कर देती है जो कि उन्होंने एलाइजा डू लिटल को लेकर दी थी। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की एलाइजा डू लिटल को दी गई वो रिंग ये सिंबलाइज करती है कि ना चाहते हुए भी उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है, और वो ये कहती है, दिस रिंग इज नॉट द ज्वेलर्स, इट्स द वन यू अबाउट मी इन ब्राइटन, आई डोंट वॉन्ट इट नाउ। ये रिंग ज्वेलर से नहीं ली गई, ये वो रिंग है जो कि तुमने मुझे ब्राइटन में लेकर दी थी, अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एलाइजा पहली बार मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाती है। इसके बाद इस प्ले का फोर्थ एक्ट भी खत्म हो जाता है और प्ले का लास्ट यानी कि फिफ्थ एक्ट स्टार्ट हो जाता है। प्ले के फाइनल एक्ट की सेटिंग मिसेज हिगन्स के ड्राइंग रूम में रखी गई है, जहाँ पर पार्लर मेड मिसेज हिगन्स को आकर ये बताती है कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स और कलोनल पिकरिंग नीचे आए हुए हैं, वो नीचे हंगामा कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है। मिसेज हिगन्स जब नीचे आती है तो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स उन्हें यह बताता है कि एलाइजा कल रात से मिसिंग है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, जिसकी वजह से प्रोफेसर हिगन्स की सारी रूटीन खराब हो गई है। मिसेज हिगन्स इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज होती हैं कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ने उनसे पूछे बगैर उनके घर पर पुलिस को बुला लिया है। वो एलाइजा के गुमशुदा होने पर घर पर तफ्तीश करने आ रहा है, मगर एलाइजा तो मिसेज हिगन्स के घर पर है। एलाइजा डू लिटल का फादर मिस्टर एल्फ्रेड डू लिटल भी एक एलिगेंट ड्रेस और कोट पहने हुए अंदर दाखिल हो जाता है, और उसकी ड्रेसिंग सेंस के चेंज होने की वजह उसकी सोशल क्लास का चेंज होना है। वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स पर ये इल्जाम लगाता है कि उसी की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल गए हैं जिसकी वजह से उसे सबके सामने रिस्पेक्टेबल बनना पड़ता है। वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स पर ये इल्जाम लगाता है कि उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। जब वो बार बार प्रोफेसर हेनरी हिगन्स पर इल्जाम लगाता है तो फाइनली प्रोफेसर हिगन्स की मदर मिसेज हिगन्स उससे ये पूछती है, What has my son done to you, Mr. Doolittle? मिस्टर डूलिटल, आखिर मेरे बेटे प्रोफेसर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं? डूलिटल उसे एक फीमेल कंसीडर करते हुए नरमी से जवाब देता है, Done to me, ruined me, destroyed my happiness. Tied me up and delivered me into the hands of middle class morality. ये जो कुछ करना चाहता था इसने वो सब मेरे साथ किया है, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, इसने मेरी सारी खुशियों को तबाहो बर्बाद कर दिया और मेरी फ्रीडम को मुझसे छीन कर मुझे बांध दिया, इसने मुझे मिडिल क्लास मोरलिटी के हवाले कर दिया और इसकी वजह से मुझे उनके सारे काम करने पड़ेंगे। वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि एज़रा डी वॉनफेलर अमेरिका में रहने वाला एक मिलियनेयर था, आपके बेटे प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ने उसके सामने ऑफ करने के लिए ये कहा था कि मैं
अल्फ्रेडो लिटल यानी कि एक कॉमन डस्टमैन ही इंग्लैंड का सबसे बड़ा मॉडलिस्ट है, और वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के बोले गए झूठ की वजह से मेरे लिए इतने ज्यादा पैसे छोड़कर चला गया है, और मरने से पहले वो मुझ पर ये जिम्मेदारी लगाकर गया था कि मैं मॉरल रिफॉर्म पर लेक्चर्स दूं, यानी कि मैं सोसाइटी में रहने वाले बुरे लोगों को मोरालिटी सिखाऊं और उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करूं। यहां पर ये सिचुएशन सीरियस होने के साथ साथ कॉमिक यानी कि फनी भी हो जाती है, मगर मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो खुद भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। यहाँ पर एक्सप्लोइटेशन के टूल को यूज किया गया है ताकि सोसाइटी की हिपोक्रेसीज और वाइसेस को हाईलाइट किया जा सके। ये कहते हुए डू लिटल गुस्से में आ जाता है और वो प्रोफेसर हिगन से ये पूछता है, डिड यू और डिड यू नॉट राइट अ लेटर टू हिम टू से दैट द मोस्ट ओरिजिनल मॉडलिस्ट एट प्रेजेंट इन इंग्लैंड टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज वॉज अल्फ्रेड डू लिटल अ कॉमन डस्टमैन। क्या तुम वही थे या फिर तुम वो नहीं थे जिसने एज्रा डी को लेटर लिखते हुए ये बताया था कि तुम्हारे नॉलेज के मुताबिक इंग्लैंड में इस टाइम सबसे बड़ा मॉडलिस्ट अल्फ्रेड डू लिटल है, जो कि एक आम सा आदमी है और सफाई का काम करता है। यहाँ पर सेम स्टेटमेंट के अंदर ही कंट्रास्ट पाया जा रहा है। प्रोफेसर हेनरी हिगन से जब भी कोई ये पूछता था कि एलाइजा डू लिटल का फादर क्या काम करता है, तो वो एलाइजा की रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये कह देता था कि उसका फादर इंग्लैंड का सबसे बड़ा मॉडलिस्ट है, मगर उसका यही झूठ बाद में डू लिटल के गले पर जाता है, क्योंकि मरने से पहले अमेरिका का मिलियनेयर एज्रा डी डू लिटल के नाम बहुत सारी रकम छोड़कर जाता है ताकि वो इस रकम से सोसाइटी को रिफॉर्म कर सके, मगर वो ये सारे काम कैसे कर सकता है क्योंकि वो तो खुद बहुत बड़ा फ्रॉड है। डू लिटल सोसाइटी को कैसे रिफॉर्म या इम्प्रूव कर सकता है क्योंकि उसे तो खुद भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। प्रोफेसर हिगन्स सबसे डू लिटल के बारे में ये झूठ बोलता है कि वो बहुत बड़ा मॉडलिस्ट है, मगर हकीकत में तो वो सिर्फ एक आम कूड़ा उठाने वाला आदमी है और वो मॉरल वैल्यूज के स्टैंडर्ड से इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि वो कुछ पाउंड्स की खातिर अपनी बेटी एलाइजा डू लिटल को प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। डू लिटल ने प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की वजह से अपनी आजादी को खो दिया है। वो अपनी जिंदगी को बड़े आसान तरीके से गुजार रहा था, मगर अब उसकी जिंदगी भी मुश्किल हो चुकी है और अब उसे अपने आप को मिडिल क्लास मॉरलिटी में मोल्ड करना पड़ेगा। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि डू लिटल अब अपनी बेटी एलाइजा डू लिटल की परवरिश अच्छे से कर पाएगा और अब उसकी बेटी एलाइजा डू लिटल का फ्यूचर बिल्कुल सेफ और सिक्योर होगा। मगर वो अपनी सोच को कंफर्म करने के लिए डू लिटल से ये पूछता है, डू लिटल आइदर यू आर एन ऑनेस्ट मैन और अ रॉग। डू लिटल, क्या तुम एक ईमानदार इंसान बन चुके हो या अभी भी तुम्हारे अंदर बेईमानी मौजूद है? ये सुनकर डू लिटल अपनी इनर सेल्फ को रिवील करते हुए ये जवाब देता है, अ लिटल ऑफ बोथ हेनरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस अ लिटल ऑफ बोथ। मुझ में ईमानदार इंसानों वाली कुछ खूबियां भी पाई जाती हैं और मैं बेईमान भी हूँ। मैं ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के लोगों का कम्बिनेशन हूँ। मिसेस हिगन्स सबको ये बताती है कि एलाइजा डू लिटल उसी के घर पर है, मगर अगर उसका बेटा प्रोफेसर हेनरी हिगन्स तमीज के साथ उससे पेश आएगा तो वो एलाइजा डू लिटल को यहाँ पर बुलाएगी। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के वादा करने पर एलाइजा डू लिटल नीचे उन सबके पास आ जाती है। वो कोलोनल पिकरिंग का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने हमेशा उसे गटर स्नाइप की बजाय एक लेडी की तरह ट्रीट किया है। वो कोलोनल पिकरिंग को ये बताती है कि उसने हमेशा कोलोनल पिकरिंग से ये सीखा है कि उसे सबसे पहले खुद की इज्जत करनी चाहिए ताकि बाकी सारे लोग भी उसकी इज्जत कर सकें। और वो ये बताती है कि कोलोनल पिकरिंग ने हमेशा उसे इज्जत दी है। एलाइजा डू लिटल सेज, यू आर कॉलिंग मी मिस डू लिटल दैट डे व्हेन आई फर्स्ट केम टू विम्पोल स्ट्रीट, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर मी। जब मैं विम्पोल स्ट्रीट में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम आई थी, तब तुमने मुझे मिस डू लिटल पुकार कर मुझसे बात की थी और उसी दिन से मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि मैं भी इज्जत के काबिल हूँ और मुझे भी हर मैटर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। एलाइजा डू लिटल की कोट्स को अगर आप उसके एक्सेंट के इम्प्रूव होने से पहले और इम्प्रूव होने के बाद नोटिस करें तो वो पहले अपने डायलॉग्स में बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करती थी, मगर आपने जब भी इनमें से किसी भी कोट को ऐड करना है तो उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करना। मगर प्ले के एंड में उसके डायलॉग्स में एक्सेंट के साथ साथ डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो जाती है। वो कोलोनल पिकरिंग की तारीफ करते हुए ये कहती है, ही ट्रीट्स अ फ्लावर गर्ल एज इफ शी वाज अ डचेस। उसने एक फ्लावर गर्ल यानी कि एलाइजा डू लिटल यानी कि मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई डचेस हूँ। जिस पर प्रोफेसर हेनरी हिगन्स कोलोनल पिकरिंग से जेलस होते हुए ये कहता है, एंड आई ट्रीट अ डचेस एज इफ शी वाज अ फ्लावर गर्ल, और मैंने एक डचेस के साथ भी वैसे ही बिहेव किया जैसे मैं फ्लावर गर्ल के साथ बिहेव करता हूँ। जब तुम डचेस में कन्वर्ट हो गई थी तब भी मैंने तुम्हारे साथ वैसे ही ट्रीट किया था जैसे मैं तुम्हें फ्लावर गर्ल के तौर पर ट्रीट करता था। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को इस बात पर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि एलाइजा डू लिटल अब इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट हो चुकी है। वो एलाइजा डूलिटल के बारे में ये कहता है, आई कैन डू विदाउट एनी बडी, मैं किसी के बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ। आई हैव माई ओन सोल, माई ओन स्पार्क ऑफ डिवाइन फायर, मेरी खुद की एक सोल यानी के सेल्फ आइडेंटिटी है और गॉड ने भी मुझे वो स्पिरिट या स्पार्क दिया है जिसे मैं खुद हर काम कर सकता हूँ। बट आई शैल मिस यू अलाइजा, मगर इस सब के बावजूद अलाइजा मुझे तुम्हारी याद आएगी। एंड आई हैव ग्रोन अकस्टम्ड टू योर वॉइस एंड अपीयरेंस, मगर मुझे भी तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी मौजूदगी की आदत हो गई है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अब अलाइजा डू लिटल को अडॉप्ट करना चाहता है, मगर वो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो जाता है जब उसे यह पता चलता है कि फ्रेडी पहले दिन से ही अलाइजा डू लिटल में इंटरेस्ट रखता है। अलाइजा भी उसे ये बताती है कि वो जल्द अज जल्द फ्रेडी से शादी कर लेगी, क्योंकि उसका फादर शादी करने लगा है और उसे इस बात का यकीन हो गया है कि वो अपने फादर के साथ गुजारा नहीं कर सकती। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के दिल में भी अलाइजा डू लिटल के लिए फीलिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। पहले उसने अलाइजा डू लिटल की केयर नहीं की थी, मगर अब उसे अलाइजा डू लिटल से प्यार होना शुरू हो जाता है। मगर अलाइजा डू लिटल उसी टाइम उसके डाउट को क्लियर करते हुए ये कहती है कि अगर प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अलाइजा डू लिटल को शादी के लिए प्रपोज करेगा तो वो इनकार कर देगी और अब वो इंडिपेंडेंट लाइफ को गुजारते हुए लोगों को फोनेटिक्स पढ़ाएगी और इस तरह वो फाइनेंशियली भी किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी। मिसेज हिगन्स अलाइजा डू लिटल के पास आती हैं और उसे ये बताती हैं कि उसकी गाड़ी बाहर आ चुकी है। अब अलाइजा डू लिटल के प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की जिंदगी से जाने का वक्त आ जाता है। वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को गुड बाय कहती है और जाते जाते उसे ये भी बताती है कि वो अब दोबारा कभी भी प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से नहीं मिलेगी। इसके बाद प्रोफेसर और मिसेज हिगन्स भी आपस में बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ये प्ले एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि प्ले के एंडिंग सीन में ये नहीं दिखाया गया कि अलाइजा डू लिटल फाइनली किसके साथ शादी करती है। यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ ही प्ले को कंक्लूड कर दिया जाता है। इस प्ले के डिटेल्ड समरी में मैंने बहुत सारी कोट्स को रेड कलर के साथ मेंशन किया है। इनमें आप अपनी पसंद की किसी भी कोट को किसी भी क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन की एक्ट वाइज डिटेल्ड समरी के साथ इंपॉर्टेंट कोट्स को भी कवर कर लिया है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज ऑल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इनशाला वी विल मीट इन द upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.